छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये मांग रखी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है कि मुख्यमंत्री का मत है कि छत्तीसगढ़ वनांच्छादित आदिवासी बाहुल्य और खनिज धारित राज्य है, जहां पर औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज की अपेक्षा है। बात अगर बौद्धघाट परियोजना की हो या फिर विशेष आर्थिक पैकेज की, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार अब टटोल रही है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी ने। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मांगे रखी हैं। अब क्योंकि सरकार का मसला है, सरकार के मंत्री मेरे साथ हैं अमरजीत भगत, उनसे बात करेंगे। सर, नीति आयोग की बैठक में कई मांगे रखी हैं। एक मांग तो सेंट्रल पूल का चावल लेने की है, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं। दूसरी एक मांग ये भी है कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जो है उसमें औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज मिले। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप ट्राइबल को भी बेहतर समझते हैं? देखिए, सेंट्रल को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो राज्य प्रोग्रेसिव राज्य है, नया राज्य है और तेजी से आगे अगर बढ़ना चाह रहा है, कई समस्याओं से वो जूझ रहा है, तो उनको स्पेशल पैकेज देना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि तेजी से आगे बढ़े और देश की तरक्की में अपना भूमिका निभा सके। आदिवासियों से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा इसमें सामने आ रहा है, बोध घाट परियोजना को लेकर केंद्र से सहयोग मांग रहे हैं भूपेश बघेल जी आपकी सरकार। ठीक है, बोध घाट परियोजना बनेगा तो सिंचाई में क्रांति आएगी, बहुत सारे क्षेत्र जो है इरिगेटेड होंगे और बारामासी उनको पानी मिलेगा, अच्छा। तो देखिए, ये एक बड़ी बात है कि केंद्र सरकार से अब भूपेश सरकार पैकेज की मांग कर रही है, विशेष पैकेज की मांग कर रही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अब विकास करना है तो विशेष पैकेज देना होगा, उद्योग स्थापित करने होंगे। बात इतनी सी नहीं है, बोध घाट परियोजना पर भी अब सहयोग मांगा है। और जिस प्रकार से सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र को सहयोग करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी अंचलों के विकास को लेकर भी मुद्दा गर्मा सकता है। रायपुर से कैमरामैन संतोष साहू के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी सुरा